Yeah guys, finally new superbike is coming. Oh my 250 साले पकड़ नहीं पाया, दो तीन बार हरा। आमिर भाई का BMW सक नहीं रहा है भाई, टेनार्ड से बच्चा जिंदा है भाई, बच्चा जिंदा है। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, बच्चा को ऐसे करके लेके जाना सही है भाई। मालूम नहीं किसके बच्चे होंगे भाई। ये क्या कर रहा है भाई, दोनों चश्मा पहन के बैठे। आप लोग बताओ कि मेरा जो ये डिसीजन है वो सही है या गलत, क्योंकि यार गाइस ना मुझे ना हर टाइम ना एक यूनिक चीज ही परचेस करना था आप लोगों के लिए एंड अपने चैनल पे दिखाना था। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड गाइस यार, ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिल्ली से। तो गाइस लास्ट वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे बंदे ने मेरे को ये क्वेश्चन किया कि सैमी भाई तुम अचानक से दिल्ली क्यों आ गए, तुम कौन सी नया सुपर बाइक खरीदने वाले हो। तुम लोगों को तो मालूम ही था कि मैं 2023 मॉडल का S1000RR प्रो मॉडल बुक करके रखा था, बट सीन ये हो गया है कि गाइस यार अभी ना प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, हाइप ज्यादा है एंड इसके वजह से गाइस यार मेरा बाइक आते आते ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट और मान लो 2 से 3 महीना लगने वाला है। अच्छा, तो फिर मतलब और 2 महीना वेट करना पड़ेगा। हाँ, अभी थोड़ा डिमांड ज्यादा है इसलिए सप्लाई जितना सप्लाई देना चाहिए उतना नहीं हो रहा। अच्छा, वही हो है ना कि सबर का फल मीठा होता है, तो और सबर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब ये चला है अप्रैल, फिर मई जून, जून तक भाई आएगा। तो मैंने सोचा कि यार गाइज अगर जून में आएगा उस टाइम में हम लोग ना लद्दाख ट्रिप करने वाले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ नया चीज लिया जाए जो वेस्ट बंगाल एंड कलकत्ता में किसी के पास नहीं है, एकदम वन एंड ओनली पीस होने वाला है। या गाइज यामा R1 इज द ओनली बाइक जो अपने वेस्ट बंगाल एंड कलकत्ता में एक पीस नहीं है, जो न्यू शेप है, मतलब कि 2016 मॉडल्स ऑनवर्ड्स जो मॉडल आता था। मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज दिया जाए एंड या इसी वजह से गाइस यार हम लोगों ने दिल्ली आए हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ना कुछ बाइक्स है जो ट्रैक्स पे चलते हैं, दिल्ली हरियाणा ये सब साइड में ना बहुत सारे R1s है, तो हम लोग एक दो R1 हम लोग देखने आए हैं, जो अच्छा लगेगा जो अच्छे रेट में मिलेगा गाइस यार हम लोग वही उठाएंगे। तो आप लोग बताओ कि मेरा जो ये डिसीजन है वो सही है या गलत, क्योंकि यार गाइस ना मुझे ना हर टाइम ना एक यूनिक चीज ही परचेस करना था आप लोगों के लिए एंड अपने चैनल पे दिखाना था। तो वैसे जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कलकत्ता में ना बहुत सारे बंदे के पास BMW है एंड बहुत सारे बंदे ने BMW बुक करके रखा है एंड 2023 मॉडल भी लिया है, जैसे कि जाहिर भाई ने बुक करके रखा है, अपना हीरक भाई भी लिया है, मनोहर भाई भी लिया है एंड ऊपर से सुपुनील भाई भी लेने वाला है, और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसने BMW लिया है। बट गाइस यार यामा R1 द माइटी R1 किसी के पास नहीं है, तो मैंने सोचा कि उन्हें यार BMW लेने से पहले ये जो बीच में जो 3-4 महीना है वो उतना दिन तक हम लोग R1 चला ले, क्या पता भाई R1 आप लोगों को मजा आ जाए एंड मुझे भी भाई यार R1 का ना एक्सपीरियंस करना था। तो गाइस यार आप लोगों ने जरूर से कमेंट करके बताना कि मेरा ये जो डिसीजन है ये सही है या गलत। फिलहाल गाइस यार आज तो संडे है तो एक राइड तो बनता ही है, जैसे हम लोग कलकत्ता में राइड करते हैं, तो ऐसे ही आज दिल्ली के कुछ भाई लोगों के साथ हम लोग राइड करने वाले। तो या मैं और आमिर भाई भी जाने वाले, तो लेट्स गो गाइस, फटाफट से रेडी होते हैं एंड आप लोगों से मैं मिलता हूं। एंड गाइस यार आज हम लोग निकलने वाले एक राइड पे, भाई हम तीनों बंदे अभी देख सकते हो रेडी हो चुके हैं, एक राइड पे निकल रहे हैं। हम लोग अभी चल रहे हैं हरीश भाई के उधर जो HK1 wheels है उसके उधर, क्योंकि यार हरीश भाई ने मेरे लिए एक बाइक जुगाड़ करके रखा है, एक ज़ेरॉक्स टेनर, तो वहाँ से बाइक उठाते हैं न्यू मॉडल ज़ेरॉक्स टेनर, फिर उसके बाद राइड पे चलते हैं। ओके चलो। ये क्या कर रहा है भाई, दोनों चश्मा पहन के बैठा है। लेट्स गो ओके भाई चलो 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 चलो, लेट हो जाएगा भाई। सुनो भाई, अगर लाउड स्पीकर्स के साथ अगर पकड़ा गया पता है कितना फाइन है, 50,000 का फाइन होने वाला है एंड उसके बाद तुम्हारा बाइक तो सीज करेगा और एग्जॉस्ट भी निकल देगा भाई। इसका मुंह देखो भाई, कॉलेज स्टूडेंट तो क्या हुआ भाई, लू चल रहा है यहाँ पे, लू चल रहा है लिटरली, 40 डिग्री का टेम्परेचर है भाई, हालत टाइट होने वाला है भाई, हालत टाइट। गाइस यार आज तो मतलब ये बाइक बहुत तवाई मचाने वाला है, क्योंकि यार इसमें से टीवी किलर निकल चुका है भाई भाई, बट वो भाई ये मिरर ना सही नहीं है, मिरर ना हिलेगा भाई, हिलेगा भाई, वो तेरा स्टॉक मिरर सही था भाई, ये स्टॉक मिरर लगा लेना, स्टॉक मिरर बेस्ट रहता है, ये मिरर उतना अच्छा नहीं है भाई। तो गाइस यार अभी इसको स्टार्ट करते हैं। बाप रे बाप भाई, सुन रहे हो भाई आवाज, सुन रहे हो एरो का भाई अलग ही जलवा है भाई। ओ भाई हाँ,
ये थोड़ा सा ब्रीदिंग लेता है भाई। गाइस यार अभी मैं फिलहाल आमिर भाई के पीछे बैठ के जाने वाला हूँ। गाइस यार इस टाइम ना मैं अपना टोक्यो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, ठीक है। टोक्यो रहता तो भाई मजा आ जाता। धीरे चलाना। अरे भाई ये कैसे लेके जा रहा है, सामने चल और सामने चल भाई। देखो भाई कैसे लेके जा रहा है दोनों बच्चों को। भाई ये अजीब बंदा यार, कैसे लेके जा रहा है ये लोग। बच्चा जिंदा है भाई, बच्चा जिंदा है। क्या मालूम भाई। भैया सुनिए ना, थोड़ा साइड में लगाइए ना, बच्चा को ऐसे लेके जाना सही नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, बच्चा को ऐसे करके लेके जाना सही है। बच्चा को ऐसे करके लेके जाना सही है। सो रहे मतलब भाई गिर विर जाएगा ना मतलब। हेलो उठ रहे भाई, भाई बहुत उठाया उठी तो नहीं लेके यार, पैर पैर में लग जाएगा ना भैया, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप ही के बच्चे ना भाई। अरे पक्की बात है ना। अरे यार भाई बच्चे मारे। अच्छा धीरे चलाओ थोड़ा सा, क्योंकि मतलब रोड भी सेफ नहीं है ना ट्रैफिक में। मैं एसी से अब गया ही नहीं। हेलो स्वीटी नमस्ते, क्या आ जाओ बंदे सबको ले लेंगे। डैन भाई जाओ यार आराम से भैया, आराम से थोड़ा सा देख के चलाओ, ठीक है, क्योंकि उसका पैर ना फंस रहा था। भाई मालूम नहीं किसके बच्चे होंगे भाई, तरीका के बच्चा एक साथ लटक रहा है और बंदा भाई भगा रहा है। वो तो बात है भाई, था ना बच्चे का पैर चप्पल गिर गया दोनों, फिर वो रेस लगा रहा है हमारे साथ, फिर वो जब रोका हमने रिएक्ट ही नहीं किया, बोला ही नहीं। तो ओ भाई आ गया टोक्यो का छोटा भाई। ये क्या व्हाइट व्हाइट पेन कर रखा है? अच्छा सही है भाई, बहुत प्यारा दिख रहा है। तो गाइस यार अभी हम लोग चलेंगे राइट पे। ये रहा एक टेनर, हाँ हाँ ठीक लग रहा है भाई। एक ज़ेरॉक्स टेनर हो गया, वहाँ पे दो ज़ेरॉक्स टेनर है और यहाँ पे एक BMW है, तो फुल पावर एकदम राइड होने वाला है। क्या लंच देख सकते हो, आइसक्रीम खिला रहा है भाई, मेरा रोजा है, मैं नहीं खा रहा। ये देखो भाई, ठीक है लंच में भाई हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं भाई। राइड वाइड के चक्कर में ना भाई लंच ही नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आइसक्रीम खा रहे हैं। लोगों ने ना सुबह की राइड कैंसिल करो भाई, ये पूरी रात का भाई। डराया किसने बताया, डराया किसने, इसने बोला 144 चालू है भाई, पुलिस पकड़ लेगा, 50,000 का फाइन लग जाएगा, एग्जॉस्ट उतर लेगा, बाइक सीज हो जाएगा। भाई किसने बताया भाई, है एक्चुअल में। हाँ हाँ लाल हो जाते हैं अगर। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फटाफट इसको खत्म करते हैं और निकलते हैं भाई मोटर लॉइंग सेटअप पे। थैंक्स आरिस भाई फॉर द 10R। मैक्स है, और इसका नाम क्या है? हम लोग चल रहे राइट पे। गाइस बहुत दिनों के बाद मैं ओल्ड मॉडल टेनर चलाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आज। चलते हैं गाइस, चलो लेट्स गो बॉयज। दिस इज 2019 मॉडल ZX टेनर, अपना हरीश भाई का है। इसमें लगा हुआ है इसी प्रोजेक्ट, उसमें लगा हुआ है एरो, और मेरे ख्याल से पीछे का टेल लाइट भी मॉडिफाइड है। ओके भाई, तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग, बट कोई नहीं भाई, एक घंटा राइड वो काफी रहेगा। फिलहाल तो इसमें फ्यूल भी नहीं है, तो फ्यूल भराना है। तो गाइस यार आज मैं चलाने वाला हूँ मैक्स को, जो है हरीश भाई का। अभी गाइस इस बाइक में लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट टाइटेनियम एग्जॉस्ट, तो अभी इसका साउंड सुनाते हैं आप लोगों को। देखो ओ भाई किसके, हाँ ले लो ना भाई। तो यहाँ पे भाई कुछ फैमिली मेंबर्स, एनीवे गाइस यार ये सब रोड्स मैं व्लॉग्स में देखता था भाई, दिल्ली के जितने भी सारे बाइकर्स हैं। आज मैं यहीं पे चला रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। एंड थैंक्स टू हरीश भाई फॉर गिविंग मी हिज मैक्स। क्या खूबसूरत व्यू है भाई, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। दिल्ली का रोड्स ना भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, बहुत ही सुंदर है भाई। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि गाइस यार दिल्ली में ना कम गर्मी है, कलकत्ता में ज़्यादा गर्मी है भाई। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे की तरफ, एंड उसके बाद तो फिर फुल ऑन तबाही होने वाला है। एनीवे गाइस यार मिरर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यार विदाउट मिरर इट्स बीइंग टू रिस्की। तो गाइस यार अभी कुछ बज रहा है शाम के 5:30, एंड आप लोग अभी है कहाँ पे, मुंबई एक्सप्रेसवे पे ना, सोना रोड ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। एंड देख रहे हो अभी सनसेट होने वाला है, गोल्डन आवर्स चल रहा है, कितना प्यारा लिख रहा है भाई, वेदर बहुत प्यारा हो गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो अपना 4 बीस्ट, 2021 10R, 2019 10R, 21 10R, फिर 1000 RR 2023।
पता नहीं भाई ये कितना लेन का रोड है, मैक्स टू मैक्स 10 लेन का रोड होगा। अब मजा आने वाला है। ओ भाई तो भाई यार काफी मजा आ रहा है भाई। अभी टोल वाला क्रॉस करेंगे। सिंपल सा बात है भाई, वो ना गियर शिफ्टिंग के ऊपर होता है। साले पकड़ नहीं पाया, दो तीन बार हरा। 250 तेरे को दिखाऊंगा मैं। बट भाई एक फोटो खींच दे भाई, थोड़ा सा बाइक को ना एक साइड लगा ले भाई, फोटो यहाँ पे लगा ले भाई। यही होता है, कोई आगे वाला निकलता है ना गाड़ी वालों की फट जाती है। अभी फिर से हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पूरा ड्रैग स्ट्रिप है, तो खाली रह जाएगा ना भाई, पूरा 300-300 मार सकते हैं हम लोग भाई। मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, क्या ही बताओ तुम लोगों को। तुझे वो इफ्तारी भी तो करना है। हाँ कितने बजे करना है? 6:50 को राइडर्स पैराडाइज ऐसा। चलो वहीं पे चलते हैं। बर्नआउट कैफे कहाँ पे है? चलो फिर जहाँ पे हुक्का बुक्का मिले वहीं पे चलते हैं, ठीक है? चलो भाई अब धीरे चलाना। ओए ओए बुक्का चोदा, आराम से चलाइयो। साला पागल इंसान बहनचो, दिए दोनों तांता ही तांता जा रहा है। तो गाइस यार आज बहुत खतरनाक वाला हाइपर राइडिंग वाला सीन हुआ। हम लोग अभी कुछ बज रहा है शाम के 6 एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अपने होटल। जो सीन हुआ ना आज का, जो वीडियो हुआ आज का, जो राइड हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ है कि नहीं भाई? भाई एकदम फुल पावर, एकदम सबको फ्लाई बाय देते हुए निकले। चैनल सब्सक्राइब करने ला HK1 Wheels। आमिर माजिद को अनसब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत खतरनाक वाला व्हीली देखने को मिलेगा तुमको दिल्ली में। यार अभी हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, मतलब कि अपने होटल के तरफ। अभी कुछ बजे है रात के 11:30 एंड अभी हम लोग खाना खा रहे हैं एंड देख सकते हो हम लोग अभी क्या खा रहे हैं। बिरयानी भाई, ये कलकत्ता का बिरयानी से ना बहुत डिफरेंट है। अभी सैमी भाई ने प्लान किया कि खाना बाहर से आएगा, बट यहाँ पे यूनिटी में बात चलती है। मैं और अगस्ता मिल गया, हमने कहा तो चले जाओ। बिल्कुल ओके, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। भाई कहता चलो यार खा लेता हूँ जो भी है, खाना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो ये जो बिरयानी है ना, ये बिरयानी नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग ही चीज लग रहा है। कलकत्ता में ना अलग सा बिरयानी बनता है भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल। जो भी है भाई खाना खा लेते, खाना खाना होता है, भूख लगा है बहुत जोर से। और यहाँ पे आ गए अपना मंचाव सूप और रायता भाई। यहाँ पे बिरयानी के साथ नींबू निचोड़ के खाया भाई।
चलो आज भी मैं भी ट्राई करता हूँ बिरयानी के साथ नींबू डाल के। उत्तराखंड का जम्मू कश्मीर का मिक्सचर जल। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये है होटल और इसमें देखो मधुमक्खी घूम रहे हैं भाई। और यहाँ पे प्रो राइडर 1000 ब्रो को काट दिया भाई। और ये देखो काटा यहाँ पे लाल हो गया भाई। भाई देखो भाई कितने सारे मधुमक्खी है भाई। भाई साहब क्या है ये, क्या है मधुमक्खी।